व्हाट्स अप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज आज मैं बहुत दिनों के बाद, मतलब 5 दिनों के बाद ना व्लॉग बना रहा हूँ अभी। और बाहर अभी इतना सब मतलब फैला हुआ है सामान, आ जाए ना किचन की सफाई हो रही है तो इतनी मतलब बर्तन वगैरह बाहर रखने में इतना बाहर इतना भयंकर अटाला हो गया है। गाइज देखो ये सब बाहर सामान पड़ा है, देखो नीचे भी कितना सारा सामान पड़ा है, ऊपर भी कितने सारा, और उधर बाहर भी है ना। और पानी तक धुला हुआ है, और ये क्या गिर गया मेरे से, पता नहीं क्या ही है। तो अभी बाहर तो आ गया हूँ मैं, और बाहर तो वैसे इतना सामान कुछ ही नहीं है, पर ये पटक दिया। इधर बैंस थी वो हटाई, कितनी मिट्टी निकली उधर से, और इतना पानी हो रहा है, तो मैं फिसलते फिसलते बच गया, उधर इतना सारा पानी हो रहा है। तो गाइस कल हमने चाउमीन बनाई थी, वो चाउमीन गर्म कर रहे थे, ओवन में चाउमीन गर्म कर रहे थे अंशु, वो तो रहा, तू किधर करना तो आता नहीं है। तो गाइस वो देखो साइकिल चल रहा है इधर, और इसके होने वाला है, इसके अंदर घूम ही जा रहा है बार बार में, कटोरा कटोरा प्याला, और देखो वहाँ पे एंड लिखा हुआ जाता है, चलो इसको निकाल ही ले। तो गाइस ये खूब गर्म है भैया, से नहीं उठ रहा है। देवांशु चम्मच ले रहा है, और है ना उसको पता नहीं, मम्मी बता रही है, वो उधर उधर मम्मी उधर बता रही है, और वो उसको मिल नहीं रही चम्मच, और ये क्या फ़ोन आ जाता है क्या बार बार में यार। तो भाई फाइनली छोटू को एक चम्मच मिल गई, मेरे लिए तो लाता, अब उसमें से निकालेगा, निकालना भी नहीं आता, गिरा दिया आज तो, चलो उठाओ उसको। तो चम्मच हमारी चौमीन, अरे यार मेरे लिए चम्मच लानी पड़ेगी मुझे। तो भाई कूलर की ठंडी ठंडी हवा में खाएंगे हम हमारी चौमीन चाउमीन। भाई मैंने तो थोड़ी बहुत खा ली, इधर कूलर चल रहा है, आवाज़ आ रही हो तो वह आवाज़ तो आएगी, मैं एकदम पास में बैठा हूँ और एक खा रहा दीवान जो अभी रसोई की सफाई हुई थी ना, तो आज है ना बर्तन धुले थे, मंजे थे, पूरे काले पड़ गए थे, तो है ना मम्मी और ने मांज लिए, तो ऊपर है ना वो है ना उल्टे थे, और भैया अभी जा चुका टप लेके लिया है, लिया है। तो मेहनत की है ये सारे बर्तनों को ऐसे उल्टा रखना है कि सारे पानी निकल जाए और सूख जाए बर्तन, तो वैसे करते हैं। चलो अब मैं टप को नीचे दे के आऊँगा, क्योंकि और बर्तन लाने हैं। तो भाई मैं तो नहीं जा रहा, ये देवांशु जा रहा है, इसको टप भर के लाते हैं, एक और टप भर के लेके आएगा छत के ऊपर, फिर से लगाएंगे, पर अब इसके ऊपर लगाएंगे छत तक, क्योंकि उसमें तो जगह फुल हो गई है, जितने उसके ऊपर आ सकते हैं उतने तो उस पर लगाएंगे, फिर देखते हैं। एक और टप आ गया है, और इतने तो हमारे बर्तन जच गए, और अब ये भी रखते हैं। गाइस हमने सारे बर्तन जचा दिए हैं अभी, अब थोड़े बहुत हो रहेंगे, और इसमें जो पानी भरा था वो हमने ऐसे ढोल दिया। गाइस अभी शाम हो चुकी है, और शाम के अभी कितने बज गए, 8 बजे। तो गाइस अभी शाम के 8 बज चुके हैं, और आज हमारे बनी है दाल मखनी, उसके नान भटूरा कुछ नहीं बनाया हमने, वैसे चावल बना लिए, रोटी भी है वैसे तो, और ये रही हमारी मखनी, और देवांशु भी खा रहा है, और ये हमारी मखनी है और चावल, ये मेरे चावल, और ये पंखा चलवा रहा है क्योंकि पंखा वंखा बंद कर रखा था मैंने। तो गाइस दाल मखनी खा के तो मज़ा आ गया, और देवांगी उधर ऐसे ही पड़ा है वीडियो वगैरह देख रहा है। तो गाइस मैंने ये व्लॉग बहुत दिनों मतलब 5-6 दिन बाद बनाया है, तो कोई बात नहीं, इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।